हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज का प्रीवियस यूजीसी नेट दिसंबर 2008 का पेपर है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर की तरह ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी इनोवेटिव एंड एनालिसिस एंड एलिमिनेशन प्रोसेस दैट विल लिटिल बिट यूपीएससी टच। हम देखेंगे किस तरीके से बेसिकली इन क्वेश्चनों को मोर एंड मोर इफिशियंट एंड इकोनॉमिक बेस से सॉल्व किया जा सकता है। ये दिस इज लिटिल अबाउट मी, सो प्लीज गो थ्रू इट, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दो बी ऑलरेडी कवर्ड। द प्रोसेस ऑफ बीदरिंग रिफर टू, बीदरिंग मीन सिंपल होता है। देखिए ये मान लीजिए रॉक है और इसका टेम्परेचर, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन और इंक्लूडिंग एक्जोजेनिक फोर्सेस के इम्पैक्ट से जो इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक इज बीदरिंग। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक मटेरियल या डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक दैट इज अ बीदरिंग, सिंपल। मूव ऑन। अब देखिए दो डिपोजिशनल फीचर हैं, स्टेगलेटाइट्स एंड स्टेगलेमाइट्स। अब देखो माइट्स याद कर लीजिए, माइट्स मीन्स इस तरीके से, जैसे ये होते हैं स्टेगलेमाइट्स, ये बेसिकली कास्ट टोपोग्राफी या लाइम स्टोन टोपोग्राफी होती है। वहाँ ये बेसिकली अंडरग्राउंड जो कटिंग होती है, अंडरग्राउंड वाटर यू कैन से दैट फोर्स, उसके कारण इस तरीके की जो अंडरग्राउंड, मान लीजिए केव है, ठीक है, और यहाँ ये अंडरग्राउंड वाटर है, तो ये वाले फीचर होते हैं वो स्टेगलेमाइट होते हैं, ये वाले फीचर स्टेगलेसाइट्स होते हैं, ठीक है, इतना याद करना। तो कहाँ होती है ये लाइम स्टोन, बेसिकली CO3 वाली, जहाँ पे टोपोग्राफी होती है, जैसे यूगोस्लाविया, ठीक है। ओके, मूव ऑन। हीट बजट, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, हीट बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बैलेंस बिटवीन इनकमिंग आउटगोइंग रेडिएशन, देखिए ये सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, और ये मिस्टर एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये अर्थ है, ये एनवायरनमेंट एनवलप है। अब जब सोलर, मान लीजिए सन है, अब मान लीजिए यहाँ से हीट आती है, तो बेसिकली क्या होता है, देखिए बेसिकली ये होता है जो 35% है वो डायरेक्ट डिफ्लेक्ट हो जाती है जो अर्थ का एल्बिडो है। अब कितनी बची 65, 14% इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब हो जाती है, देखिए 14% इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होती है, 51% अर्थ के पास जाती है, 51% जो अर्थ के पास जाती है ये जैसे एक कन्वेंशनल रेडिएशन, इनसे ये दोबारा डिफ्लेक्ट कर देती है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हीट बजट। ओके, आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। मूव ऑन। ये देखिए मैचिंग, देखिए एयर मास उनके टाइप, आर्टिक एयर मास, देखिए आर्टिक जो वो उनको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंटार्कटिक एयर मास टी से हो जाएगा, ये देखिए इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो पूरी मैचिंग ब्रेक हो जाती है। आई ऑलरेडी मेंशन, अगर आपको एक दो भी निकाल लेंगे ना तो आप इजीली मैचिंग ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, बट यहाँ हम लोगों को तो पूरी पता है, डोंट वरी। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ग्लेश बेसिकली फ्लूवियल इरोजन का बेस्ट फॉर्म, जैसे जब ये दोनों कब के हैं, यूथेज के हैं, यूथेज, ठीक है, ये देखिए एलुवियल फैंस भी यूथेज के हैं, ये भी एलुवियल फैंस, ये बेसिकली पेनीप्लेन ओल्ड एज की साइकिल है, ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज। मूव ऑन। आगे देखिए, द वाटर ड्रॉप फाउंड इन द हाई ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, पाई जाती है, नो डाउट इन इट। अब ये देखिए, द टेम्परेचर वेरिएशन इन द ट्रोपोस्फीयर इज नॉट अलार्मिंग कम्पेयर टू स्ट्रेटोस्फीयर, नहीं, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर वेरिएशन होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में कम होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, द सोयल वाटर बजट डेवलप्ड बाई थॉर्नबेट, डायरेक्ट याद कर लो, नो मग काइंड ऑफ मगिंग। ओके, मीन्स स्कॉलर, उनकी बुक्स, उनके जर्नल्स, उनके कंसेप्ट सीधे ऐसे याद कर लो, और ये कैसे बेसिकली आप बार बार इन्हें इस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि इन UGC नेट पेपर्स ना, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, TGT, जो भी ज्योग्राफी के जो एग्जाम्स हैं, खासकर बी ग्रेड, ए ग्रेड, सब में क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन, कंसेप्ट, डेटा सब रिपीट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बस आपको नोटिस करने की वो कैपेसिटी होनी चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ग्रेट ओशियन का सिक्वेंस पूछा एरिया वाइज, तो हमको सबको पता, सबसे पहले पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर आर्कटिक है। ओके, मूव ऑन।
ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए, बे ऑफ बंगाल, अब देखिए मान लीजिए ये इंडिया हो गई और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये बे है, तो कहिए अ सबसेट ऑफ स्मॉल मरीन इको सिस्टम, अ सबसेट ऑफ लार्ज मरीन इको सिस्टम। तो लार्ज मरीन इको सिस्टम ओशियंस होते हैं, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, सबसेट ऑफ स्मॉल मरीन इको सिस्टम, ठीक है। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन जब इसे थोड़ी एनालिसिस, लार्ज तो है नहीं, काट दिया, स्मॉल मरीन इको सिस्टम ये भी नहीं है, सबसेट ऑफ लार्ज कोस्टल इको सिस्टम, कोस्टल लिटिल बिट है लेकिन मोर एंड मोर ये ओशनिक है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए ये मैचिंग देख लीजिए, डायरेक्ट बेसिकली क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी है, स्कॉलर है, आपको बेसिकली कोई नहीं, बस इन्हें याद ही करना पड़ेगा, नो अनदर अल्टरनेटिव। जैसे माइक्रो क्लाइमेटिक किसने बोला, पैटरसन ने, जियोमॉर्फोलॉजी ग्रिप्टेलर ने, मेट्रियोलॉजी बार्ड, हाइड्रोलॉजी रोस्टर, सीधी सीधी मैचिंग है, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने बोला इवन क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, ठीक है। देखिए इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन सीड फ्लोर, यानी कि जैसे मान लीजिए ये लैंड है, ये लैंडस्केप है, ठीक है, ये लैंड है, तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है पूरी इरोजन हो जाती है, किससे, फ्लड से। क्यों, बेसिकली सेमी एरिड में कन्वेंशनल डाउन पोर होता है, डाउन पोर होता है, डाउन पोर मीन्स पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, उसी को हम डाउन मीन्स इन स्मॉल टाइम पीरियड लार्ज अमाउंट ऑफ रेन, ठीक है। ओके मूव ऑन, अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फूड लूज इंडस्ट्री। अब देखिए फूड लूज इंडस्ट्री होती क्या है, बेसिकली मोस्ट इंडस्ट्री क्या होती हैं, एक पॉइंट पी से पॉइंट पी टू तक जाती हैं, तो क्या होता है, ड्यू टू रॉ मटेरियल इनके वेट में डिक्रीज होता है। लेकिन फूड लूज इंडस्ट्री होती हैं अपोजिट होती हैं, जैसे कोल है ये बेसिकली वेट लूजिंग मटेरियल है, जैसे एक और शुगर केन है, इन्हें एक पॉइंट पी वन से पी टू ले जाओगे तो क्या होगा, इनका वेट कम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जैसे मान लो बूलन प्रोडक्ट हैं तो उनका वेट लूज नहीं होता है, बूलन प्रोडक्ट बेसिकली ग्लास प्रोडक्ट, तो उनका वेट सेम रहता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। अब देख लीजिए इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सीमेंट, देखो सीमेंट एल्यूमिनियम हट जाएंगे, ठीक है। मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पेपर इंडस्ट्री, पेपर भी कंप्रोमाइज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इनका क्या वेट लूज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, मूव ऑन। अब देख लीजिए द विंटर पोजिशन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लक्चुएट, ये थोड़ा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है, अब ये इंडिया है। अब बेसिकली क्या होती है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है विंटर में क्या होती है, बेसिकली इधर से इंडिया के जो हिमालय के बेसिकली वेस्ट सदर्न साइड से जाती है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब मानसून सीजन होती है तो यही अपर साइड से चली जाती है, तो ये बेसिकली क्या होती है 20 से 35 फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, ये आपको देखना है। आगे देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट सिटी ऑफ द रीजन 8 लाख, ठीक है, तो फोर्थ प्लेस वाली पूछिए, सिंपल फार्मूला PN = PN, तो ये 8 लाख हो जाएगा, ठीक है, और फोर्थ पूछिए तो 4 × 8 यानी कि 2 लाख, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, वही जिप्स रैंक साइज रूल, ठीक है। अगर एन सिटी की चाहिए तो PN फर्स्ट सिटी डिवाइडेड बाई जिस सिटी की चाहिए वही सिटी रख दीजिए, इसमें फोर्थ की पूछिए तो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेस्ट इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रंटियर, फ्रंटियर के बारे में क्या सही नहीं है, फ्रंटियर जोन होता है सही, फ्रंटियर आउट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे आउट ओरिएंटेड मीन्स जैसे मान लीजिए कोई रिवर हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अब रिवर हो गया मीन्स माउंटेन हो गया, ठीक है, बेसिन हो गया। इनवर्ड ओरिएंटेड क्या होती है, बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये नहीं होती, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, सभी फीचर हैं फ्रंटियर के लेकिन ये सी वाला फीचर नहीं है। ओके, द पैटरसन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ओके मूव ऑन, आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिलीजियस ओरिजिनेटेड इन मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से, हमको सबको पता है इस्लाम मक्का में, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, ठीक है, ये तीनों कहाँ मिडिल ईस्ट में ओरिजिनेट हुए, ठीक है, और जेरूसलम लगभग तीनों का, सॉरी
जेरूसलम है बेसिकली वो कॉकपिट ऑफ इन ऑल रिलीजन का है, कॉकपिट, ठीक है, जो जेरूसलम इजराइल का है वो कॉकपिट रीजन है इन तीनों रिलीजन का, ठीक है। आगे आ जाइए, ओजोन डिप्लीशन में लीड टू, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ओजोन, जैसे ओजोन से क्या होती हैं बेसिकली मे लीड टू, अगर ओजोन डिक्लाइन हो जाएगी तो जो यू वी रेज है ना, यू ए सॉरी यू ए यू वी बी और यू बी सी, तो ये तो ये नॉन हार्मफुल होती हैं, ये हार्मफुल होती हैं सी बी और सी वाली, तो ये क्या करती हैं स्किन कैंसर और प्लांट ग्रोथ फोटोसिंथेसिस इन सबको इम्पेक्ट करती हैं, लार्जली ये इकोसिस्टम को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ओके मूव ऑन, आगे देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये बुक किसकी है, रेड जेल, मिस्टर रेड जेल की है। ओके सॉरी सॉरी नो नो ये ब्ला डी ब्लास की है, सॉरी ये ब्ला डी ब्लास की है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ब्ला डी ब्लास है, ठीक है, सॉरी सॉरी ब्ला डी ब्लास है, यस बुक कहीं आता रहे कोई बोले बार बार आप याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। हम्बोल्ट रोड इज फेमस कॉस्मोस, किसको फील्ड वर्क है, साउथ अमेरिका, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ज़्यादा है दोनों का है, बट साउथ अमेरिका की डिटेल्स आता है, ये ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी, राइटिंग किसकी है, इमानुअल कांत है, ठीक है। द साइंटिस्ट हू सिट्स ऑन बन चेयर, तो इमानुअल मिस्टर कांत ही हैं, ठीक है, ये भी इनके इन्हीं का इनके बारे में बोला जाता है, ये बेसिकली हम आपको बाद में देखेंगे लेकिन फिर भी एलिमिनेशन से देख लेते हैं, ये एच ए मैकिंडर है नहीं, ब्ला डी ब्लास है नहीं, तो ग्रिप टेलर है नहीं, टी डब्ल्यू फ्रीमैन है, ये टी डब्ल्यू ज्योग्राफी ऑफ 20वीं सेंचुरी इन्हीं की है, टी डब्ल्यू फ्रीमैन, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। ओके एलिमिनेशन से हमने निकाल लिया, आगे देख लीजिए मैचिंग देखिए, अब देखिए टाइप है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ठीक है, तो बी का थर्ड हो जाएगा, सॉसर कल्चरल ज्योग्राफी कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एल सी जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा और ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो जाएगा, इस तरीके से मैचिंग पूरी ब्रेक हो गई, ठीक है। जस्ट आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और सारी मैचिंग ऐसे ही बेसिकली स्कॉलर्स और उनके फील्ड स्टडी जर्नल्स इवन इंक्लूडिंग ईयर्स सब आपको याद हो जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे लाइक दैट। ओके आगे देखिए क्रिस्टालर सेंटर प्लेट थ्योरी, रेवस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन, टांसले इकोसिस्टम और लुसियस फैब्रे पॉसिबिलिज्म, आंसर बी, ठीक है। मूव ऑन, ये भी मैचिंग देखिए, मिकेर उत्तराखंड, ठीक है, कोरवा अंडमान निकोबार, थारू, एक मिनट, सही है, मेघालय, ठीक है, और योंग छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये सी मैचिंग हो जाएगी इसकी। आगे आ जाइए, विच सेक्टर इकोनॉमी इज लीस्ट नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी, लीस्ट नेसेसरी, सॉरी हम थोड़ा गलत समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी क्वार्टनरी, यानी कि सस्टेनेबल के लिए कौन सा होगा, तो क्वार्टनरी होगा, ठीक है, लीस्ट नेसेसरी, ठीक है, प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, थर्डरी चाहिए, ये बेसिकली ये सप्लीमेंट्री सेक्टर होता है जब सिविलाइजेशन थोड़ी अप यानी कि अपर मार्क पे होती है, ठीक है, क्वार्टनरी स्पेशलाइज सर्विस। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर नॉन रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल मीन्स विच कांट बी रिप्लेनिश और कांट बी रीजनरेट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको रीजनरेशन के लिए क्या होगा, हजार ईयर यानी कि 1000 और 2000 और मैनी ईयर्स लगेंगे, तो ये कोल हो गया, कोल पेट्रोलियम, ठीक है। हु इवॉल्व द मेजर ऑफ एग्रीकल्चर इफिशेंसी, ठीक है, एग्रीकल्चर इफिशेंसी आर एल सिंह, ठीक है, इंडियन है ये। आगे देखिए, विच वन ऑफ द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉरेस्ट हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए, कोल चाहिए, आयरन चाहिए, वाटर चाहिए, जैसे जमशेदपुर जो टाटा वाला पे टिस्को लगा है, ठीक है, जहाँ पे वहाँ तीनों चीज़ें हैं ये, ठीक है। मूव ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांस अगस्ते कॉम्टे, अगस्ते कॉम्टे ने क्या एडवांस किया, पॉजिटिविज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म नो, ह्यूमनिज्म नो, इम्प्रेज्म नो, यानी पॉजिटिविज्म, ठीक है। आगे चलिए, द कंसेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस एडवोकेटेड बाई, ये देखो बेसिकली मोर एंड मोर ये हैं, बट हाँ आई हैव कन्फ्यूजन सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ढूंढ के मैं आपको बताऊँगा इसका आंसर, तब तक के लिए मोर
डी ही लग रहा है, क्योंकि ये डिफरेंशियल से हैं, ठीक है, चोबरो इकोलॉजी से हैं, और सी डी हैरिस ये बेसिकली उससे सेक्टर यानी कि अर्बन प्लानिंग से हैं, जिनका जो मल्टी न्यूक्लियाई सेक्टर मॉडल है, ठीक है। रीजनल बैलेंस, रीजनल प्लानिंग एम है, रीजनल प्लानिंग का एम क्या होता है, बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट। आगे आ जाइए, काउंटर मैग्नेट, देखो क्या होता है, मैग्नेट क्या होती है, इंट्रैक्ट करती है, ठीक है, काउंटर मैग्नेट अपोजिट, ऐसा रीजन जो अट्रैक्ट करने के अलावा डिस्ट्रैक्ट करे, तो वो कौन सा, रायलसीमा है, बेसिकली ये लो डेवलप रीजन, सेमी एरिड एरिड रीजन है, तो यहाँ पॉपुलेशन बेसिकली का अट्रैक्शन का कोई पॉइंट नहीं होता, यहाँ से लोग डाइवर्स होते हैं, बेसिकली ये डाइवर्जिंग पॉइंट है, हाई प्रेशर की तरह, हाई प्रेशर की तरह ये डाइवर्जिंग, यहाँ से लोग क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं दूसरे रीजन में, ठीक है। मूव ऑन, आगे देखिए, द रेड जेल कंसेप्ट ऑफ लिवन सेरम, लिवन सेरम बेसिकली होता है ऐसा प्लेस, एक तरीके का नीसे, नीसे जैसे एक क्या नाम, बेसिकली नीसे होता है ना किसी किसी बेसिकली पर्टिकुलर एनिमल बर्ड्स और उसका, उसी तरीके से जो ह्यूमन का नीसे है ना, लिवन सेरम होता है, जिसमें वो क्या होता है, बेसिकली लिव करता है, प्रोड्यूस करता है, ईटिंग करता है, सब कुछ, ठीक है। रेड लीज डिटरमाइन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डार्विन थ्योरी, सही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओके, तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, द सोइल विच ओरिजिनेट इन ह्यूमिड रीजन एंड हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ह्यूमस, उसको क्या कहते हैं, पीट सोइल, ठीक है, जैसे इंडिया इंडिया के केरला रीजन में, सॉरी, इंडिया के केरला रीजन में, ठीक है। मूव ऑन, अब देखिए, एरिया लाइंग वेस्टर्न घाट कवरिंग कर्नाटका इंटीरियर तमिलनाडु वेस्टर्न एंड सेंट्रल महाराष्ट्र, ठीक है, जैसे थोड़ा हम अगर पिक्चोरियल देख लें तो ये वाला रीजन इसको कहते हैं ट्रॉपिकल सवाना टाइप, ठीक है, स्टेपी तो हो गई नहीं, रहनी भी नहीं है, तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मूव ऑन, विच स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सोयाबीन, सोयाबीन का एमपी, बस मगिंग करनी है आपको, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। विच लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बीट, प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश परसेंटेज वाइज और प्रोडक्टिविटी वाइज पंजाब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ऑलरेडी डिस्कस, विच स्टेट इज इंडिया हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस स्टेट की है, वो पंजाब की है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए, 2004 में सुनामी आई थी अंडमान एंड निकोबार रीजन में, ठीक है, हम ऑलरेडी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज में कवर कर चुके हैं, तो उससे क्या हुआ, इंडिया का पूरा ईस्टर्न कोस्ट, मान लीजिए इंडिया का अंडमान निकोबार रीजन ये हुआ, पूरा इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट इम्पैक्ट हुआ था। आप पूछ रहा कौन सा पर्टिकुलर रीजन मोर इम्पैक्ट हुआ, दैट इज विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश रीजन, ये भी हो सकता है, विशाखापट्टनम मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, स्मॉल स्केल मैप, सॉरी इसमें हम गलत टिक करेंगे, स्मॉल स्केल मैप, तो एटलस मैप इसका स्मॉल स्केल मैप होता है, ठीक है, ये स्मॉल स्केल लार्ज स्केल हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है, कैडस्ट्रल लार्ज स्केल होता है, सॉरी एटलस, ठीक है। आगे चलिए, इन द रिमोट सेंसिंग देयर आर 4 डिफरेंट टाइप रेजोल्यूशन करेक्टर, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, तो स्पेक्ट्रल हो गया, टेम्पोरल हो गया, स्पीरियो और रेडियोमेट्री, बस इसको ऐसे ही एज हू भू आपको एज इट याद कर लेना है, ठीक है। मूव ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हु वाज द ओरिजिनेटर रिग्रेशन एनालिसिस किसने प्रोपाउंड की, फ्रांसिस गैल्टन ने, ऐसे ही आपको याद कर लेनी है, फ्रांसिस गैल्टन ने, ठीक है। आगे चलिए, देखो रिवर का जो बेसिकली पेनिनसुलर रिवर है उनको अरेंज करना है, खासकर जो ईस्टर्न का घाट की तरफ फ्लो होती हैं, तो सबसे पहले महानदी हो जाएगी, फिर गोदावरी हो जाएगी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ठीक है। आगे देखिए, द रोड एसेसिबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाई, तो फ्लो लाइन डायग्राम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो वी डिस्कस 46 क्वेश्चंस ऑफ दिस डिस्कशन एंड इन लेंथ
एंड वेरी इनोवेटिव एंड इफेक्टिव वे। तो आई होप आई लाइक यू गाइज लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, सो दैट विल मोटिवेट मी फॉर मेकिंग मोर एंड मोर इनोवेटिव एंड क्रूशियल वीडियोज विच हैव प्रोसेस ऑफ और टेक्निक्स ऑफ और क्लूज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस वेरी पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।